हाय गाइस, तो आज रिव्यू करने जा रहे हैं ग्लैम वेदा का राइस वाटर फेशियल। 6 स्टेप फेशियल है ये, मात्र 85 रुपीज का मुझे मीशो से मिला है। एंड गाइस, लिटरली ये 85 रुपीज का फेशियल अगर आप घर पे भी करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट पार्टी टू गो आप ह्यूज चोटियों में बन सकते हैं। तो चले चलते हैं इसके 6 स्टेप फेशियल्स को फॉलो करने एंड अपना फेस क्लीन करने। मैंने ऑलमोस्ट अपना फेस धो लिया है अच्छे से। आप एक अच्छे से क्लींजर से अपना फेस धो लें एंड उसके बाद भी कोई भी फेशियल करें, ठीक है। सो लेट्स गो टू द फेशियल स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप में आपको मिलता है ये क्लींजर, क्योंकि यूजली आपके फेस पे डर्ट होता है, पॉल्यूटेड फेस आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, पोर्स बहुत ज्यादा गंदे रहते हैं, तो फेस वॉश के बाद भी ये क्लींजर आपको करना मस्ट है। सो चलिए करते हैं फर्स्ट स्टेप। सो गाइज, ये इस क्रीमी टेक्सचर में क्लींजर मिलता है एंड ये जो फेशियल किट है, आप 2 लोग 3 लोग आराम से कर सकते हो। ऑलरेडी मैं पहले ये यूज कर चुकी हूँ अपने हस्बैंड के फेस के ऊपर, तो नाउ आई एम यूजिंग ऑन माय फेस, क्योंकि मैंने पहले रिजल्ट उनके फेस पे लगा के देखा था। सो कुछ इस तरीके का क्लींजर आपको मिलता है, जो आपको अपने फेस पे कुछ यू तरीके से अप्लाई करना है। आप जितने भी इसके स्टेप्स होंगे, इसके पीछे इसकी हाउ टू यूज वाले डायरेक्शंस आपको देखने की बिल्कुल क्लीन मिल जाएंगे। एंड टू यूज दिस क्लींजर, आपको बहुत ही हल्के हाथों से अपने सर्कुलर मोशन में फिंगर्स के साथ अपने फेस को इस तरीके से क्लीन करना है। एंड इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड स्टेप। सो गाइस, मैंने अपने फेस अपने क्लींजर से क्लीन कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड स्टेप, विच इज स्क्रब, जो हर फेशियल के अंदर सेकंड स्टेप स्क्रब होता है। बट बिफोर दैट, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई टोनर। टोनर को बीच बीच में अप्लाई करते रहे ताकि आप का फेस जो है पोर्स पे वर्क करते रहे। सो फिर जिस तरीके से मैंने टोनर साथ में यूज करा है, सो नाउ सेकंड स्टेप इज अ स्क्रबर। सो ये इसका स्क्रब है, बिकॉज ये नो केमिकल वाला प्रोडक्ट है, सो इसकी जो आपको फ्रेग्रेंस होगी ना, काफी कम है। इसके अंदर कोई आपको ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगी। सो करते हैं स्क्रब अपने फेस पे। सो ये है स्क्रब। सो जस्ट स्क्रब योर फेस इन अ सर्कुलेशन एंड एंटी सर्कुलर डायरेक्शन लाइक दिस, सो दैट आपके व्हाइट स्पॉट, रेड स्पॉट या जो भी ब्लेमिशेस, आइदर आपका जो ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैक हेड्स है, वो सब घिस जाए एंड बाद में आप उनको उस टूल से निकाल सके। सो लाइक दिस, यस का स्क्रबर। स्क्रब हो गया है डन एंड चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेप के ऊपर, जो है अगेन एक मसाज क्रीम। सो गाइज, ये है हमारा थर्ड स्टेप, जो है फेशियल मसाज क्रीम। इस मसाज क्रीम को आपको जब तक मसाज करते रहना, तब तक इसको आप अच्छे से अपने फेस पे ड्राई ना हो जाए, बिकॉज हर मसाज क्रीम का एक बहुत अच्छी खास बात है, जितना इससे मसाज करते हैं ना, उतना आपके फेस पे ग्लो आता है। सो कुछ इस तरीके से ये मसाज क्रीम इस टेक्सचर में आपको मिलेगी। सो मेरे लिए बहुत इनफ है। सो अगेन आई एम यूजिंग माई रोज वाटर, विच फील्स फ्रेश लाइक दिस। और आपको कुछ इस तरीके से मसाज देनी है अपने फेस को। मसाज क्रीम को यूज़ करते हुए आपको ज़्यादा अपने फेस के साथ कुश्ती नहीं लड़नी है, बहुत ही स्लोली स्लोली एंड जस्ट यूज ऑल द डायरेक्शन जो आपके फेस को टाइट कर सके लाइक दिस। मसाज हमेशा आपको अपने फेस को टाइट करने का फोकस रखना है, कि आप अपनी जो स्किन, आपकी जो अंटसंट, आप गलत गलत स्टेप से उसको लूज कर लेते हैं, तो इस मसाज से आप कर सकते हैं अपने फेस को टाइटन। स्किन आपकी लटकनी कम हो जाएगी अगर आप वीक में एक बार भी क्लींजिंग या किसी भी मसाज क्रीम से अपने फेस को इस तरीके से मसाज देते हैं। सो करते हैं इस मसाज क्रीम को यूज़ एंड फिर आते हैं हम अपने फोर्थ स्टेप पे। सो कुछ इस तरीके से मसाज ने अपने फेस की कर ली है डन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टेप 4। सो चलते हैं फोर्थ स्टेप, जो है हाइड्रेटिंग जेल, ठीक है। सो ये जेल के पीछे में लिखा है, इसको आपको तब तक मसाज करना है जब तक आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए, क्योंकि जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक कोई भी फेशियल आपके स्किन पे काम नहीं करेगा। यूजली आई ऑलवेज फील कि जब हम लोग किसी पार्लर में, ऐसे नॉर्मल पार्लर में जाके फेशियल्स कराते हैं ना, वो लोग बस मुंह पे फेस पे आपके क्रीम्स लगाते हैं, मसाज क्रीम लगाते हैं, फेशियल करते हैं, वो इंस्टेंट कुछ 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 मिनट के बाद उस प्रोडक्ट को जो है ना हटा देते हैं, आइदर वाइप ऑफ कर देते हैं। वो आपके फेस पे मेहनत नहीं करते, आपके फेस पे जो जितना भी प्रोडक्ट होता है वो वेस्ट हो जाता है
एब्जॉर्ब नहीं करते। तो आप घर पे फेशियल करने का एक यही अच्छा रीज़न है कि आप प्रोडक्ट को टाइम दे, स्किन को टाइम दे, एंड जो प्रोडक्ट है वो आपके स्किन पे बहुत ही अच्छे से एंड ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए। टू फॉलो ऑल द राइट इंस्ट्रक्शन वाइल यूजिंग एनी मसाजिंग जेल एंड फोकस करें, स्किन को टाइट करें, स्ट्रैप्स हमेशा अपवर्ड रखें ना कि डाउनवर्ड रखें। सो ये हमारा हाइड्रेटिंग जेल हमारे फेस पे धीरे धीरे ऑब्जर्व होता जाएगा। मैं आपको बता दूँ, जब ये फेशियल ऑलरेडी मैं अपने हस्बैंड के फेस पे अप्लाई कर रही थी, मसाज क्रीम तक ही मुझे उनके फेस पे दिखने लग गया था, जो भी डिफरेंस था। एंड कहीं ना कहीं मुझे अपने फेस पे भी आप देख रहे हो अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ दिख रहा है, विच मीन्स द प्रोडक्ट इज एक्चुअली वर्किंग एंड फेशियल वर्थ है। इट्स नॉट ऑल अबाउट महंगा फेशियल लेना, इट्स अबाउट किस कंपनी का एंड कौन सी चीज़ आपके फेस पे सूट कर रही है। सो गाइस, ये हाइड्रेटिंग जेल एक्चुअली मेरे फेस पे पूरी तरीके से ऑब्जर्व हो गया है, आप देख सकते हैं। सो अब है हमारा फिफ्थ स्टेप, विच इज़ फेशियल मास्क, ठीक है। एंड फेशियल मास्क जो है इसका, इस पर पीछे लिखा हुआ है ये कि इसकी आपको थिक लेयर लगानी है टिल आपका जो ये फेस मास्क है ड्राई नहीं हो जाता, ठीक है। सो इसको मास्क को आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है विद अ वेरी और अ मीडियम थिक लेयर। कुछ इस तरीके से फेस क्लीन बिल्कुल मस्त लग रहा है फेस पैक रिमूव करने के बाद। एंड अगेन लास्ट स्टेप जो है वो है हमारा ये फेस सीरम। तो इसकी कुछ बूंदें फेस पे लगाइए एंड आपको कुछ इस तरीके से ग्लो मिलेगा। एंड गाइस, 85 रुपीज में क्या लोगे, 3 बार फेशियल हो रहा है। ग्लम विदा, आई लव यू, नेक्स्ट टाइम गोना ऑर्डर अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।